तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारी स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस की लॉन्चिंग को लेकर। आखिर क्यों 15 अगस्त से पहले ही वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जा सकती है और पीएम मोदी ही क्यों इसे हरी झंडी दिखाएंगे और क्या होने वाली है इसकी पहली रूट और क्यों, बात करते हैं पूरी डिटेल में। प्लीज वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और ऐसी और भी जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों भारतीय रेलवे की एडवांस फीचर वाले इस हाई स्पीड ट्रेन को लगातार अलग अलग जगहों पे एक्सपेंड किया जा रहा है। पिछले कई महीनों से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर लगातार खबरों में जानकारी सामने आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे वंदे भारत स्लीपर कॉन्सेप्ट ट्रेन के फोटोज को शेयर कर चुके हैं और अब खबर आई है कि पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही देश को पहली स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दे सकते हैं। रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात पीएम मोदी ही देंगे और यह 15 अगस्त से पहले हो सकता है। अत्याधुनिक सुविधाओं वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के आने से लंबी दूरी का सफर पहले से काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। 15 अगस्त से पहले पीएम मोदी मुंबई से दिल्ली के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। जी हाँ, इसी रूट पे पहली स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस को दौड़ाया जाएगा और ऐसा क्यों इस पे भी खुल के बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले जान लें कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का काम बेंगलुरु में अंतिम चरण में जारी है और यह जल्द ही पूरा होने वाला है। और इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे जिसमें 10 कोच थर्ड एसी, 4 कोच सेकेंड एसी जबकि एक फर्स्ट कोच एसी भी होगा। इसके साथ ही दोस्तों स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस में 2 एसएलआर कोच भी शामिल रहेंगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आधुनिक सुविधाओं और सेफ्टी से लैस ट्रेन होने वाली है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पहले फेज में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और इसके बाद धीरे धीरे इसे 160 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार तक ले जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आखिर दिल्ली मुंबई जैसे रूट पे ही इसे पहली बार क्यों दौड़ाया जाएगा। तो आपको बता दें कि इसके कई अहम कारण है। सबसे पहले दिल्ली मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की योजना इसलिए बनाई गई है क्योंकि दिल्ली मुंबई रेलवे रूट काफी व्यस्त है और इस पे यात्रियों की भीड़ काफी ज्यादा रहती है। दिल्ली से मुंबई रूट पर ज्यादा यात्रियों के चलते इस रूट की ट्रेनों में सीटें हमेशा बुक ही रहती है। यात्रियों को कई ट्रेनों में आसानी से रिजर्वेशन मिलने में दिक्कतें होती है, इसलिए इस रूट पे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने से यात्रियों को भी काफी बड़ी राहत होगी और इस ट्रेन का भी ट्रायल काफी शानदार तरीके से हो पाएगा। रेलवे ने दिल्ली से मुंबई रूट पर सबसे पहली स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने की तैयारी की है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली से भोपाल सूरत होते हुए मुंबई तक जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कुछ ही दिन पहले ऐसा ऐलान किया था कि भारत की पहली स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस 2 महीने के भीतर ही ट्रैक पर होगी और यह काफी हद तक सच होता नजर आ रहा है। इससे पहले इसी साल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के ट्रेन सेट के कार्य का जायजा लेने के लिए बेंगलुरु भी गए थे। रेल मंत्री ने उस जगह का दौरा किया जहां वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट बनाई जा रही है। साथ ही गौर करने वाली बात यह भी है कि इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है और शायद इसलिए भी यह जरूरी हो जाता है कि महाराष्ट्र को पहली स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी जाए तो इसकी उम्मीद काफी खास हो जाती है। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव सह प्रभारी बनाए गए हैं। बाकी देखते हैं ऑफिशियल अपडेट क्या कुछ कहती है हमारी पहली स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस की लॉन्चिंग को लेकर। साथ ही आप क्या कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट करते हुए प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।